आज इस वीडियो में कोविड के बाद कैसे हेयर लॉस बढ़ा है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS जयपुर। कोविड पेंडेमिक बहुत सारे तरह से लोगों पे, पेशेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गई है और उस पेंडेमिक में हेयर फॉल के केसेस भी, हेयर लॉस के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। कोविड पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो देखिए, कोविड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली बॉडी के अंदर, और एक ऐसी महामारी थी, एक ऐसी पेंडेमिक थी जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। और जब कोविड पेंडेमिक आई तो हर तरीके से बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करके गई है। कोविड की वजह से बालों पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और रिसेंटली कोविड के बाद हमने देखा है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं हेयर लॉस के पोस्ट कोविड, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि कोविड के बाद हेयर लॉस भी बढ़ गया है? देखिए, उसके मोस्टली हम दो फैक्टर मानते हैं। एक तो सबसे पहला, जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ है, जिनके अंदर वायरस गया है, वायरस ने भी कुछ इस तरह के रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी जिन्हें हम कहते हैं, जनरेट किए हैं, जो कि बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे पार्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट किए हैं। कई पेशेंट्स कोविड की वजह से काफ़ी सिवियर इलनेस में भी गए हैं और इन सब वजह से बॉडी इन टोटल कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिविटी में गई है फंक्शनली। और उस नेगेटिविटी का, जो फंक्शनल नेगेटिविटी आई है पेशेंट्स के अंदर, पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, उसका इफेक्ट डायरेक्टली हेयर पे भी गया है और हेयर फॉल और हेयर लॉस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। ये तो एक प्राइमरी इफेक्ट था कोविड वायरस का बॉडी के अंदर। अगर हम इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करें कोविड की वजह से, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड जो लाइफस्टाइल चेंजेस बॉडी के अंदर हुए, जिनकी वजह से स्ट्रेस लेवल ऑल्टर हुआ, स्लीप साइकिल ऑल्टर हुई, डाइटरी हैबिट्स ऑल्टर हुई, सेल्फ केयर कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई, एक तरह से पेशेंट की जो, या बहुत सारे अपन हम कहें कि लोगों की एक जो साइकी थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में गई, उसकी वजह से भी उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हेयर पर आया और हेयर लॉस के केसेस काफ़ी बढ़े। लेकिन इस सब के अंदर, जो पोस्ट कोविड के अंदर जो पेशेंट्स थे हेयर लॉस के, एक अच्छी चीज़ ये थी कि मोस्टली पेशेंट्स अच्छे से रिकवर किए हुए थे कोविड इन्फेक्शन के बाद, या उनको कोविड नहीं हुआ था और अब वो ग्रेजुअली अपनी जो लाइफ थी, जो लाइफस्टाइल था, वो नॉर्मलसी की तरफ ले जा रहे थे। तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एक इंक्रीज्ड सेल्फ केयर के साथ, कुछ इंक्रीज्ड हेयर केयर के साथ और कुछ बहुत बेसिक सप्लीमेंट्स और मेडिसिंस के साथ ही रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनका कोविड के दौरान या कोविड के बाद में हेयर लॉस हुआ, वो रीजंस ऐसे थे कि जो कंट्रोलेबल रीजंस थे या फिर रिवर्सिबल रीजंस थे। एक क्वालिफाइड और ट्रेंड हेयर एक्सपर्ट से अगर आप एडवाइस लेंगे इस बारे में, तो वो आपको कुछ चीज़ें और कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स इस तरह से एडवाइस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे कि जो आपका स्टेटस बालों का कोविड से पहले था वो आप वापस अचीव कर सकें। और डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यूजुअली मेल्स में जो पैटर्न होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। बट कोविड के बाद हमने ये देखा है कि मेल्स के अंदर भी कुछ बेसिक ट्रीटमेंट से, कुछ बेसिक चीज़ों के चेंज से, बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से वापस हुई है और वो काफ़ी अच्छे से रिकवर किए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके पास हो तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू फ़ोन और या फिर ईमेल से। उसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज डाल सकते हैं और हम उसका एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस आपको जल्दी ही जल्दी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।